गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्के का आटा बेचेगी सरकार, किसानों से इतने रुपए में खरीदी जाएगी मक्के। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्के का आटा बेचकर प्रदेश सरकार मुनाफा कमाएगी, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले चरण में सरकार किसानों से 5000 क्विंटल मक्के खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। वहीं बाजार में आमतौर पर मक्के के 18 से 20 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मक्के खरीदेगी। देश में मक्के पर दिया जाने वाला यह सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्के खरीदी जाएगी। इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए किसान जहर मुक्त उपज तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों से मक्के खरीदने के बाद सरकार इससे तैयार आटे की ब्रांडिंग कर लोगों को 1 और 2 किलो की पैकिंग में शुद्ध आटा बेचकर मुनाफा कमाएगी। हिमाचल के नशा मुक्ति केंद्रों से 3500 युवा हुए ठीक, ऐसे दूर की जाती है नशे की लत। प्रदेश भर में स्वास्थ्य महकमा नशा मुक्त हिमाचल बनाने में जुटा हुआ है। पिछले एक साल में सरकारी स्तर पर खोले गए नशा मुक्ति केंद्रों में करीब 3500 नशा करने वाले युवाओं से यह लत छुड़वाई गई है। इसमें 400 युवा सोलन से ही हैं। खास बात यह है कि युवा बिना किसी दवाई से नशे की लत से दूर हो गए। चिकित्सकों ने केवल योग और प्राणायाम की सहायता से नशे की लत को छुड़वा दिया। विभाग ने सोलन में सबसे पहले इसका ट्रायल किया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में योग और प्राणायाम की सहायता से युवाओं को नशा छुड़वाने का कार्य किया। इसके माध्यम से नशा छुड़वाने में अभी काफी कम समय लग रहा है। योग और प्राणायाम से मात्र 3 महीने में नशे की लत से व्यक्ति काफी दूर हो जाता है। हालांकि यह कोर्स 6 से 8 माह तक नियमित चलता रहता है। इस अवधि में जरूरी होने पर ही नशा छुड़वाने के लिए एलोपैथी दवाइयों की कम मात्रा दी जाती है। हिमाचल में आसान होगा राजस्व रिकॉर्ड, मुगलकाल के शब्द हटेंगे, विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार मुगलकाल के राजस्व रिकॉर्ड की शब्दावली में बदलाव करने जा रही है। ततीमा, जमाबंदी, मोमी को साधारण शब्दों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इनमें हिंदी के कठिन शब्दों को भी हटाया जाना है। इसके स्थान पर सरल भाषा को इस्तेमाल किया जाना है। राजस्व विभाग में इन दिनों इसको लेकर खूब कसरत की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कठिन शब्दों को हटाने को कहा है। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विभाग को उर्दू और फारसी जानकारों को जिलों में तैनात करने को कहा है, ताकि लोग इनके पास जाकर इन शब्दों के अर्थ को समझ सके। पुरानी जमाबंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें पटवारी कानगो तक को पता नहीं है। जेबीटी, टीजेटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती दिवाली के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद जेबीटी, टीजेटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। शैक्षणिक सत्र 25-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। विधायक निधि से होगा रिटेनिंग वॉल, नालों का चैनलाइजेशन, बरसात के बाद हुए नुकसान के बाद दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और नालों का चैनलाइजेशन किया जा सकेगा। ऐसा 31 मार्च 2025 तक होगा। पिछले साल की व्यवस्था को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था बीच में बंद कर दी गई थी। इस संबंध में योजना सलाहकार बसु सूद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किए। वहीं आपदा से हुए नुकसान के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों में छूट देकर इस योजना में सुरक्षा दीवारों, नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को शामिल करने का फैसला लिया गया था। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पिछले वर्ष आई आपदा के बाद ढील दी थी। विधायक कैप्टन रणजीत पर सगे भाई ने लगाए प्रताड़ना के आरोप, थाने में शिकायत, पुलिस सुरक्षा मांगी।
विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा के छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सुजानपुर में इस सिलसिले में शिकायत दी गई है। विधायक के छोटे भाई रमेश चंद ने कहा कि कई वर्षों से बड़ा भाई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। विधायक से उनके परिवार को जान को खतरा है। रमेश चंद ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा बेटा सुजानपुर महाविद्यालय में पढ़ता है, उसकी जान को भी खतरा है। मौजूदा समय में विधायक परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार स्थानीय विधायक और उनके साथ चलने वाले लोग होंगे। सुजानपुर थाना में भी शिकायत पत्र दिया है। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने कहा कि आरोप पूरी तरह निराधार हैं। अगर रमेश चंद के पास इस शिकायत के कोई भी सबूत हैं तो वो उन्हें प्रस्तुत करें। संजोली मस्जिद गिराने के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। हाशमी बोले, मुस्लिमों को इबादतगाह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, आयुक्त ने दिए तोड़ने के आदेश। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजोली में मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के नगर निगम MC आयुक्त के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। मैंने 2 सीटों पर प्रचार किया, दोनों में मिली जीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरियाणा के चुनाव पर हिमाचल के फैसलों का कोई असर नहीं पड़ा। कहा कि जिन 2 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर हैं। उन्होंने झूठ बोलने की PhD की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का नाम बदलकर बड़ी झूठी पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कभी खेल तो कभी टोलेट टैक्स की बात करते हैं, जबकि हिमाचल में 75 लाख लोग हिमाचल में रहते हैं और किसी से टॉयलेट का बिल नहीं लिया गया है। डबल होगा रेडियोग्राफर लैब सहायक और OTA का वेतन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले बजट सत्र से राज्य सरकार रेडियोग्राफर लैब सहायक और OTA का वेतन बढ़ाएगी। इसमें 3 श्रेणियों के कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपये मिल रहे हैं, जबकि राज्य सरकार अगले सत्र से इस राशि को 2 गुना करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात IGMC में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों में अपनी लैब स्थापित की जाएगी ताकि लैब पर मरीजों का भरोसा कायम रह सके। फिलहाल नहीं मिल पाएगी पेंशन, निगम के पास पैसा नहीं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की जेब इस महीने खाली रह गई है। पिछले कल प्रदेश सरकार के सभी पेंशनरों को तो पेंशन डाल दी गई, मगर HRTC के पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। इस महीने HRTC को सरकार से जो पैसा आना था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। अब कम राशि मिलने पर केवल वेतन का ही खर्चा निकल पाया और निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी पहले ही कर दी। राज्य सरकार ने सभी पेंशनरों को 9 तारीख को पेंशन देने का फैसला लिया था, मगर HRTC के पास 9 तारीख को भी पैसा नहीं है। निगम ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे आग्रह किया है कि 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाए ताकि वो अपने पेंशनरों की देनदारी को दे सके। इस महीने सरकार ने HRTC को सिर्फ 55 करोड़ रुपए की राशि ही दी है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए उसके कर्मचारियों को वेतन में लग जाते हैं। निगम के जो 7,000 पेंशनर हैं उनको पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपए मासिक चाहिए, क्योंकि निगम के पास जो पैसा था और उसने जो कमाई पिछले महीने की है उससे टायर का खर्चा, तेल का खर्चा और स्पेयर पार्ट आदि का खर्चा हो गया है, जिस वजह से उसके पास पैसा नहीं बचा। ऐसे में पेंशनरों को पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।